सृष्टि सृष्टा के बिना संभव नहीं है। इस सृष्टि जो सुजति शंखनाद की कल कविता रूप जो सृष्टि है उसके सृष्टा आप हैं। परोक्ष रूप से भले ही प्रत्यक्ष रूप में उस कविता को उस पुरस्कार दिया गया हो, परंतु परोक्ष रूप में वो पुरस्कार जो है आपके लिए है, प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी के लिए है। इसलिए हम सभी लोग आपके लिए गर्वित हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारे सभा के मंचासीना अध्यक्ष आचार्य अशोक कुमार जैन जी से निवेदन करेंगे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय उपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के माननीय कुलपति प्रोफेसर पाठक जी, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के जिनके अभिभावक तत्व में हम लोगों ने संस्कृत विद्या की धर्म विज्ञान संकाय की प्रगति की, ऐसे न्याय शास्त्र के निष्णात मनीषी प्रोफेसर जी आंजनेय शास्त्री जी, आज जिनका पुरस्कार से जो पुरस्कृत किया गया, यद्यपि पुरस्कार उनको बहुत मिल गया, लेकिन जो संस्कृत विद्या के आज इन्हें गिने जो विद्वान हुए हैं, जिनमें विशेष जो है ख्याति जिनकी जो है, और हमारे परम आदरणीय संस्कृत विद्या के निष्णात मनीषी, और जिस भी विधा में वो जाते हैं, चाहे काव्य की विधा में जाएं, चाहे गद्य की विधा में जाएं, ऐसे निष्णात मनीषी प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, और मंच पर जो है विराजमान हमारे वेद विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी, वेदांत दर्शन के निष्णात मनीषी जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि सरस्वती साक्षात नर्तन कर रही है, ऐसे प्रोफेसर धनंजय पांडे जी, हमारे जो वैदिक दर्शन के पूर्व वर्तमान विभाग अध्यक्ष, क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद जी से और श्री कृष्ण त्रिपाठी जी का संबंध जो है, जिस दिन बिंदेश्वरी प्रसाद जी रिटायर हुए थे उनका तारीख बार ग्रहण मतलब मुक्त हो रहे थे, उसी दिन इन्होंने चांद में ग्रहण किया था श्री कृष्ण त्रिपाठी जी ने, तो आज जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो एक्टिविटी हुई है, और हमारे जिनको हम संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का रजिस्ट्रार हुए कहते हैं, और मेरे